अच्छा जब हमने फिर जब मैं पढ़ती मेरे फादर थे तो आई डू नॉट रिमेंबर एनी वन ऑफ द कन्वर्सेशन विद माय फादर माय मदर इज द स्मार्टेस्ट लेडी अराउंड सेकंड स्मार्टेस्ट लेडी इज माय वाइफ ठीक है तो मुझे तो फीमेल्स नहीं सिखाया जिंदगी में तो हाउ कैन आई नॉट बिलीव मेरा तो इसमें बहुत ज्यादा ट्रस्ट है कि फीमेल लीडरशिप होनी चाहिए फीमेल डाइवर्सिटी होनी चाहिए राइट नाउ वी आर 21% वी वांट टू बी 25 एंड वी वांट टू गो अबाउट दैट एंड सेकंड हमारा जो पर्पस है जो डेवसिंग का मीनिंग है वजह क्या है कि एक फीमेल का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ठीक फीमेल की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इस तरह के आज पाकिस्तान में ना फीमेल्स गिव अप करती है अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस शादी पे और इससे बड़ी बेवकूफी को कर सकती नहीं वी वांट टू इंक्लूड देम इन आवर कॉर्पोरेट कल्चर ये दो ही पॉइंट है ठीक तो सॉरी स्टार्टेड लेट but we were right on the foot that we didn't want to start in the wrong foot aur us time tak jitna exposed the us time yahi matlab mila the baad mein thoda sa exposed hamare kaam se mulaqat ho gayi to fayda hoga nahi to ab ideology thodi behtar ho pakistan ki karne se ye nahi ki we don't care for pura pakistan hum kar rahe hain hum survive nahi karte we have to be financially very well hum apne upar kya kare wo baat hai so for everyone who is spending 6 years with us sixth year mein uski jo रेगुलर प्रमोशन है वो नहीं होगी जब तक वो कोई अपना बिजनेस ना स्टार्ट करे हम उसके बिजनेस में एज एन इन्वेस्टर हैं वी वांट डेवसिंग टू बी ग्रुप ऑफ कंपनीज विद देयर ओन वी विल इन्वेस्ट इन योर कंपनी वी विल टीच यू द एंटरप्रेन्योरशिप और ईच लेवल पे हम सिखाएंगे ठीक है हमारा एक ऐसे लेवल में छोटी सी अनुभव होती है एलएससी एटीएल ऊपर अब आप अपनी एचआर कंपनी बना रही हैं राइट तो आपकी वो कंपनी है उसमें आपका इन्वेस्टर है वी वांट यू टू मेक दैट we want you to grow that we want you to make a better company than them saying so that we can follow you you know ek kaam kar liya life kar liya life mein ab usse better ho nahi sakta sahi mujhe mera personal drive ab paise ki rahi nahi kyunki koi bhi smart aadmi aapko bata do exactly even $5 agar apne earn karne life mein aata aur aap pakistan mein rehte ho kya hum impact kar sahi hum nahi karte isliye hum ab 0% profit pe aram se operate karte koi tension nahi to ek jaise badhti hai going for our own employees we hope and we aspire one day that उनकी कोई अच्छी चीज देखने होगा यार अच्छा ये वो चीजें मैं सेल्फ रिफ्लेक्ट करता हूँ अपने लिए यार उन्होंने क्या नाम पाकिस्तान का भला हो तो पाकिस्तान का भला जरूरी नहीं आपने करना वो भी कर सकते हैं तो अगर आपको इस चीज से टेंशन हो रही है पर हमने ना पहले गांधी को इस तरह बिल्ड किया था कि यार हम वी आर अगेंस्ट एवरीथिंग हमने बिल्ड ऐसे किया मैंने जाकर निपटने में बातें की मैंने जाकर कहा कि बड़ी कंपनी ऐसा कर रही है मैंने किया है कुछ ऐसा बातें ठीक है मैंने एक बहुत बोल के सीखा कि यार ये ना ये लाइफ के ट्रॉमे के इशू है हर बंदे के लाइफ में कुछ पेड़ पड़ी होंगी आप सबको ठीक है एंड एवरीवन हियर इज सर्चिंग फॉर द लव दैट देयर पेरेंट्स कुड नॉट गिव राइट But at some point of time in your life, you have to make peace with every trauma that you have encountered in your life. You have to become sorted. Hey, yaar, theek hai. Ab jo log mere na ye mere dushman nahi hai. Inhone nahi mera bigada. Wo bachpan mein tha jo bully kar gaya. Bachpan mein tha jisne mujhe attention nahi di. Wo bachpan ke masle hai. Mujhe nikalna hai in chizon se. Aur is acha. Ab jealousy hoti hai jana na. Lekin jealousy shows desire. It's a negative energy that shows desire. Jealousy shows that you want to grow in that. You want to see yourself in that shoes. तो टेक जेलेसी एज अ नेगेटिव एनर्जी मेक एन इंस्पिरेशन फॉर योरसेल्फ एंड डू समथिंग गुड अबाउट इट तो हम लोग सिस्टम लिमिटेड से इंस्पिरेशन लेते हैं सही हम जेलेस नहीं वी एक्चुअली वांट देम टू ग्रो लीप्स एंड बाउंड्स वी वांट कि वो रहें और हमसे बड़े रहें ताकि हमारे लिए फ्रेंडली कंपटीशन रहे बट दैट्स द ओनली कंपनी दैट वी थिंक के इज इन बारे मैंने कस्टमर किया था कि हां बड़ा अच्छा मुझे ना शेयर करने का भी शौक रहा सही लेकिन जिंदगी में पहला शेयर याद किया था वो था कि मोहब्बत हो तो बेहद हो जो नफरत हो तो बेपाय कोई भी काम कम करना हमें हर किसी तो हमारा मतलब एक्सट्रीमिज्म है हमारा मतलब एक वर्ड होता है जुडिज्म में हुत्स्पा एक्सट्रीम बदतमीज एक्सट्रीम ऑडेसिटी मुझे बहुत पसंद है एक्सट्रीम ऑडेसिटी आई हैव ऑलवेज बीन ऑडेशियस आई हैव ऑलवेज बीन अ गाय हु ड्रीम्स अ लॉट मेरी भी बहुत मास्टर की बात है एंड मोस्ट ऑफ द ड्रीम्स आई एम एबल टू मैनिफेस्ट बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह सम ऑफ देम आर सो वो कहते हैं वो ड्रीम ऐसा चीज जो आपको बस ना ड्राइव में बहुत एक्साइटेड करे तो दिस 18000 सीम्स वेरी फाइन ऑन द पेपर इट्स नॉट अ क्रेजी ड्रीम इट इज इट टोटली मेक्स सेंस इट हैज हैपेंड इन द वर्ल्ड बिफोर
It has been manifested before. It's actually borderline easy. It's not difficult. हमें मुश्किल से लगा कि पाकिस्तान में नहीं हो रहा है कभी तो पाकिस्तान का एग्जाम्पल है ना फॉलो करने के लिए बाकी दुनिया में बहुत जगह में हुआ TCS में हुआ है और इंडिया में 4-5 एग्जाम्पल रहने लगे पूरी दुनिया में मिल जाएगी तो इतना मुश्किल ड्रीम नहीं है और जब आप ड्रीम करेंगे मेरी आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन पे TEDx टॉक है उस पर ड्रीम से 4 स्टेप्स हैं सुनने मेरा पहला फायदा वो मेरे जाती है मैं खुद आई केम अप विद दीस 4 कॉन्सेप्ट्स तो वो सुनने के बाद डिटेल में सही दूसरा बात थी कि